नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू होम हैप्पीनेस एंड लाइफ विद प्रतिमा। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तीन ऐसे DIYs जिन्हें मैंने, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह के बैम्बू के सूप और टोकरी का यूज़ करके बनाया हुआ है। ये इस तरह के सूप जो है अनाज को साफ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो पूजा और कुछ कुछ जगह पर पूजा वगैरह में भी इसका महत्व होता है, तो आपको ये पूजा के सामान की दुकान पर भी मिल सकते हैं। मैंने तो इन्हें, मैं अभी अभी होम टाउन गई थी, तो वहाँ पर जो है स्ट्रीट साइड वेंडर्स जो होते हैं वो ये सब चीज़ें बेचते हैं, तो वहाँ से मैं ये लेकर आई हूँ। और अभी जो है आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखते हुए मैंने इनके साथ कुछ DIYs बनाने की कोशिश की है घर को सजाने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले DIY के लिए मैंने ये एक सूप ले लिया है और इस पर मैं कुछ ड्राइंग बना रही हूँ पेंसिल की हेल्प से। तो जो भी ड्राइंग्स आपको इसके ऊपर बनानी है, तो बहुत सारी इमेजेस इंटरनेट पे आसानी से मिल जाती है, उसमें से कोई भी आप जो आपको इजी लगे आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद मैंने स्केच पेन से फिर से इसे आउटलाइन कर लिया है ताकि कलर फिल करते समय जो है हमें जल्दी से जो है हमारा पिक्चर विजिबल हो जाए, क्योंकि पेंसिल से ये इतना अच्छे से दिख नहीं पा रहा था। अब इस पर पेंटिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक्रिलिक कलर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो है मैंने वाइट कलर में थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन कलर मिक्स करके ये शेड बनाया है। इस तरह के जो ये बाम्बू के सूप होते हैं, इनका सरफेस थोड़ा सा अनइवन होता है, तो पेंटिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर आप चाहे तो कैनवास पर पेंटिंग करके उसकी कटआउट बनाकर इसके ऊपर स्टिक भी कर सकते हैं, और ऐसे भी थोड़ा सा टाइम लगता है पर हो जाता है। डायरेक्टली आप सूप पर भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं है। उसके बाद इसका जो बेस है वहाँ पर लगाने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल पेंट का यूज़ किया है। आप चाहे तो यहाँ पर भी एक्रिलिक पेंट यूज़ कर सकते हैं, या फिर वॉल पेंट वगैरह यूज़ करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ ग्लिटर 3D आउटलाइनर्स जो होते हैं उनका यूज़ कर रही हूँ डिटेलिंग करने के लिए।
तो इस तरह से इस पर मैंने सारी डिटेलिंग कर ली है, पर जो 3D आउटलाइनर्स है उनका जो लुक है वो सूखने के बाद ही पता चलता है। तो इस तरह से इसे कंप्लीट बनाकर मैंने सूखने के लिए रख दिया। अब जो दूसरा सूप है उसके ऊपर, अगर आपको इस तरह के ह्यूमन फिगर्स बनाना डिफ़िकल्ट लगता है तो एक बहुत ही सिंपल आइडिया मैं आपको बता रही हूँ सूप को पेंट करने के लिए। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी रंगोली बनाई है, बहुत ही बेसिक सी रंगोली है। तो इस तरह से कोई भी रंगोली का पैटर्न आप इसके ऊपर बना सकते हैं, और ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न मत बनाइए। एक कुछ ईजी सा, ऐसा जो पेंट करने में ज़्यादा तकलीफ ना हो, ऐसा पैटर्न बनाइए। तो ये भी एक तरीका है इस सूप पर डिज़ाइन बनाने का। और इस सूप के बेस में कलर लगाने के लिए मैंने यहाँ पर वॉल पेंट का यूज़ किया है, ये जो येलो कलर आप देख रहे हैं। और इस तरह से देखिए, कहीं पेंट इधर उधर लग जाता है बाय मिस्टेक, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसे सूखने के बाद हम ठीक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं येलो कलर मेरा थोड़ा सा जो है ग्रीन कलर के पास में फैल गया है, तो इसे मैंने सूखने के बाद ठीक किया है। आप वीडियो में आगे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो सूखने के बाद देखिए, इस तरह से मैंने ग्रीन कलर का टचअप करके जो है इसे ठीक कर लिया है। और अभी सूखने के बाद मैं थोड़ा सा इसके ऊपर एक्रिलिक कलर से और डिज़ाइन बना रही हूँ। और इसे आउटलाइन करने के लिए मैंने यहाँ पर सिल्वर कलर के 3D आउटलाइनर का यूज़ किया है। और 3D आउटलाइनर की हेल्प से मैंने यहाँ पर सुस्वागतम लिखा है, आप कुछ और लिखना चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं। और अब ड्राई होके ये रेडी हो गया है, तो कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है इस सूट का। और जो ये दूसरा सूट था वो भी हमारा रेडी है। तो इन दोनों में से आपको कौन सा ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इन सूप को जो है आप एज इट इज़ कहीं प्लेस कर सकते हैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। और इस तरह की जो डबल साइडेड टेप होती है उसकी हेल्प से आप इन्हें वॉल पर चिपका सकते हैं। इस तरह से सूप के जो पीछे वाला हिस्सा है वहाँ पर आप ये टेप लगा दीजिए, और फिर जैसे पैटर्न में आप इन्हें हैंग करना चाहे वॉल पे, उस तरह से वॉल पे चिपका सकते हैं। इस स्टेप से आपके वॉल की जो पेंट वगैरह है उसे भी कोई नुकसान नहीं होता है। मैंने इन्हें दिवाली के लिए बनाया है, तो मैं इन्हें अभी से वॉल पे हैंग नहीं कर रही हूँ, तो इसके लिए मैंने एज इट इज़ आपको ऐसे पकड़ के दिखाया है कि इनका लुक कैसे आएगा। नेक्स्ट DIY के लिए इस तरह की ये जो बाम्बू की टोकरी मिलती है उन्हीं लोगों के पास, तो ये मैंने ली है। और इसका लुक मुझे एज इट इज़ ही बहुत ज़्यादा पसंद था। अंदर से भी देखिए, ये चटाई के जैसा पैटर्न इस पर बना हुआ है, तो ये बहुत ही प्यारी लग रही है। तो मैंने इसे कोई पेंट वगैरह नहीं किया है, आप करना चाहे तो इसे भी पेंट वगैरह कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इसमें जो है मुझे जूट का धागा पिरोना था, तो इस तरह से जूट के धागे को आप फेविकॉल लगा के इसका एंड जो है उसे थोड़ा सा स्टिप कर लीजिए। और ये काफ़ी, इसकी जो बुनाई है काफ़ी टाइट थी, तो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ा कि कहाँ से मैं ये धागा डाल सकती हूँ। तो इस तरह से देखिए, ये धागा डालकर मैंने इसे हैंग करने के लिए पहले एक लूप टाइप का बना लिया है।
उसके बाद मैंने दूसरा धागा लिया है जूट का, और उसकी हेल्प से इसके आधे पोर्शन में जो है जूट का एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल वीविंग टाइप का एक पैटर्न बनाया है। इस तरह से देखिए, बहुत सिंपल तरीके से मैंने जूट की रस्सी को जो है इसके आधे पोर्शन पर बांध दिया है चार पांच लेयर में, और फिर दूसरी जूट की रस्सी लेकर उसे इस तरह से इसके साथ में नॉट बनाते हुए इस तरह से थोड़ा सा स्टार की टाइप का शेप बनाते हुए मैंने इसके अंदर टाई कर दिया है। और बस बनके रेडी हो गया है हमारा ये DIY। तो इसे मैंने किस चीज़ के लिए बनाया है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से हम इसे वॉल पर हैंग कर सकते हैं, और इसके अंदर रखने के लिए देखिए ये एक मेरे पास प्लांटर नहीं है, एक्चुअली ये बच्चों का पानी पीने का सिपर था, तो उसमें मैंने मनी प्लांट लगा के रखा है पहले से, तो ये मैंने इसके अंदर रख दिया है। आप चाहे तो किसी बॉटल वगैरह में पानी में मनी प्लांट वगैरह लगाकर भी इसके अंदर रख सकते हैं। और जो जूट की रस्सी की वीविंग हमने बनाई थी इसके ऊपर, वो सिर्फ इस प्लांटर को सपोर्ट देने के लिए, ताकि ये गिरे नहीं। और बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्यूट सा ये DIY है। तो ये भी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, ये बिल्कुल भी फ्री है, इसके लिए आपको कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद चेक कर लीजिए कि आपने बेल आइकन दबाया है कि नहीं। बेल आइकन दबाने से मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।